वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे क्रमचय संचय का पार्ट 5। देखो पार्ट 4 में हमने संचय के कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। आज संचय की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देख रहे हैं कि ज्यामिति आकृति आधारित संचय, मतलब इसका मतलब होता है कि ज्यामिति आकृति जैसे कोई आकृति है, ठीक है। जैसे कि आपका है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। षष्ठभुज है, पंचभुज जो भी है, ठीक है। पंचभुज है या षष्ठभुज है, ठीक है। और जितना भी कितना भी भुजा का बना सकते हो, ठीक है। वो जितना भी भुजा वाला है, ठीक है, वो जो है जैसे तो ज्यामिति आकृति है जो संचय का क्या यूज हुआ है, ठीक है। मतलब संचय के यूज से कैसे, मतलब ये कितने डग से बन सकता है, ठीक है। तो देखो ये कितने डग से बन सकता है उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कितने बिंदुओं से बनता है ये, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहला जो होता है, देखो बिंदु जैसे होता है बिंदु, ठीक है। इसकी क्या है, कोई आकृति नहीं मानी जाती। इसकी क्या है, कोई आकृति, इसकी कोई कोई आकृति नहीं होती, ठीक है। बिंदु की कोई आकृति नहीं होती, एक बिंदु की कोई आकृति नहीं होती। अगर एक से अधिक बढ़ जाए बिंदु, ठीक है, जैसे कि दो बिंदु हो जाए, ठीक है, जैसे कि दो बिंदु हो जाए, एक और दो, ठीक है। दो बिंदु हो जाए तो दोनों बिंदु को मिलाओगे, दोनों बिंदु को मिलाओगे तो क्या है, एक रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया, ठीक है। रेखा हो गया, रेखाखंड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ज्यामिति में अंदर घुसोगे रेखाखंड है, लेकिन हमारे हिसाब से तो रेखा बन गई नहीं, ठीक है, एक लाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। रेखा हो गई, और ये क्या है, ये क्या है आपका त्रिभुज। ये आपका देखो तीन बिंदु मिला दिए, देखो तीन बिंदु को मिला दिए क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। तीन बिंदु को मिला दिए बन गया त्रिभुज, ठीक है। अब वैसे ही चतुर्भुज में कितना बिंदु है, चार बिंदु, ठीक है। चार बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, चतुर्भुज, वैसे ही पंचभुज, षष्ठभुज और कितना भी भुजा हो सकता है। जितना जितना बिंदु आप मिलाओगे उतना बिंदु का मतलब उतना भुजा वाला बन जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन कि मतलब संचय का क्या यूज है, ठीक है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आपको दिया जा रहा है चार बिंदु, ठीक है। चार बिंदु आपको गिवन है, ठीक है। चार बिंदु आपको दिया जा रहा है और आपको पूछ रहा है कि त्रिभुज मतलब या रेखाखंड, ठीक है, चलो मान के चलो कितनी भी रेखा बनेगी, ठीक है। चार बिंदुओं से कितनी रेखा बनाई जा सकती है, तो रेखा आपको पूछ रहा है कितना बन सकता है, ठीक है। चार बिंदु से रेखा कितना बन सकता है, ठीक है। तो देखो चार बिंदु रेखा कैसे बनेगा, देखो चार बिंदु कर देते हैं, देखो चार बिंदु, एक दो तीन चार, ठीक है, चार बिंदु हो गया। अब इसमें से रेखा कितना टाइप से खींच सकते हैं, देखो यहाँ पे दोनों बिंदु को मिला दिए, ठीक है, एक हो गया, दोनों बिंदु को इसको मिला दिए, मतलब मान के चलो नंबर दे दो, एक दो तीन छः चार, ठीक है। एक दो को मिला दिए एक बन गया, दो और देखो एक चार को मिला दिए तो बन गया, दो और तीन को मिला दिए एक तो बन गया, चार तीन को मिला दिए तो एक बन गया। और क्या है, देखो एक और तीन को मिला सकते हैं, और क्या मिला सकते हैं, देखो दो और चार को मिला सकते हैं। तो देखो रेखा कितनी हो गई, देखो गिन लो, एक दो तीन चार, ये एक पाँच और ये छः, ठीक है, छः बन गया टोटल। टोटल कितना बन गया आपका, छः रेखा, छह रेखा बन गया। अब देखो ये छह रेखा बना कैसे है, मतलब संचय का यूज कैसे, ठीक है। ये तो आपको अगर बड़े में दे देगा तो ये तो वैसे निकाले, बड़े में दे कैसे निकालेंगे, हाँ। तो वो क्या है आपका, संचय के हिसाब से बनेगा, ठीक है। संचय मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको दिया कितना बिंदु है, चार बिंदु, ठीक है, चार बिंदु आपको दिया गया, ठीक है। तो चार बिंदु में आप क्या कर रहे हो, देखो दो दो बिंदु को लेके बना रहे हो, ठीक है। चार बिंदु में क्या कर रहे हो आप, दो बिंदु को लेके, दो दो बिंदु को लेके बना रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हो, चार बिंदु में से दो बिंदु को क्या है आप चुन रहे हो, ठीक है। चुनना मतलब संचय होना, ठीक है। तो देखो चार बिंदु में दो बिंदु चुन रहे हो, मतलब 4c क्या हो जाएगा आपका, 4c2, ठीक है, 4c2 आ गया। तो 4c2 मतलब देखो चार का क्या है, दो बार विस्तार होगा, तो 4 × 3, उसके बाद नीचे वाले का पूरा विस्तार होगा, मतलब 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे भी देखो 6 आया है, और यहाँ पे भी देखो 6 आया है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम संचय का यूज करके हम कोई भी फिगर, ठीक है, मतलब कितने टाइप से ड्रॉ हो सकता है ये पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, इसके लिए जैसे कि आपको चार बिंदु दिया गया है और आपको पूछा गया है कि त्रिभुज कितना बनेगा, ठीक है। चार बिंदु है, त्रिभुज कितना प्रकार से बनाया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे चार बिंदु खींच लेते हैं, चार एक दो तीन चार, ठीक है। अब देखो चार बिंदु में त्रिभुज कैसे बनेगा, मान के चलो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4,
फोर, या एबीसीडी कर लो इसको, एबीसीडी कर लो ज्यादा अच्छा है। ए बी सी और डी, ठीक है एबीसीडी खींच लिए। अब देखो आपका त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए थे, 3 पॉइंट से आपको त्रिभुज बन सकता है, तो देखो 3 पॉइंट कैसे बने। चलो पहले संचय वाले ही देख लेते हैं, उसके बाद चित्र में देखेंगे, ठीक है। संचय वाले मतलब देखो 4 बिंदु है, उसमें कितने बिंदु चुनना है आपको, 3 बिंदु चुनना है, 4 में से 3 चुनना है, ठीक है। त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, 3 बिंदु चाहिए, ठीक है 3 बिंदु चाहिए, 4 में से आपको 3 को चुनना है, तो क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 3 बार विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक, मतलब आप संचय पढ़ के आए हैं ना, तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ इसको, मतलब ये निकालना तो आता है ना, 4 से 3 का मतलब क्या होता है सब, मैं तो शुरू में सब चीज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो वीडियो नहीं देखा होगा वो पिछला वीडियो देख लेगा और पहला वीडियो भी देख लेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से 3 मतलब 4 3 2, 3 बार विस्तार 4 का, और नीचे वाले को क्या है, पूरा विस्तार मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आ गया आपका 4, मतलब 4 प्रकार से त्रिभुज बन सकते हैं। अब देखते 4 प्रकार से त्रिभुज कैसे बनेगा, ठीक है चित्र से देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला मिला लो ए बी सी को, मिला लो ए बी सी को, ठीक है ए बी सी को मिला लो, एक त्रिभुज बना। दूसरा त्रिभुज कैसे बनेगा, इसको मिला लो बी डी और सी को, ठीक है, मतलब एक त्रिभुज बन गया आपका ए बी सी। दूसरा त्रिभुज क्या बना, बी डी सी, ठीक है बी डी सी। अब देखो तीसरा त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो ए डी और बी को मिला लो, ठीक है ए डी और बी को मिला लो, ये वाला, ठीक है ए डी और बी को, ए डी और बी को मिला लिए। उसके बाद किसको मिलाएंगे, ए सी और डी को मिला लो, ठीक है ए सी और डी को, ए सी और डी, ठीक है। 4 त्रिभुज देखो, यहाँ भी 4 त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है 4 त्रिभुज आपका बन गया, यहाँ भी देखो 4 त्रिभुज आपको बन ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, वहां भी देख लो, ठीक है, इससे ज्यादा आपका नहीं बनेगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आते हैं, अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 बिंदुओं को जिनमें की 4 समरेखियां हैं को मिलाकर कितनी रेखाएं खींच जा सकती, ठीक है। तो 20 क्या है, बिंदु आपके, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 बिंदु है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 क्या है, बिंदु है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 समरेखी मतलब एक ही लाइन में, ठीक है 4 समरेखी मतलब देखो 4 जो बिंदु है एक ही लाइन में, ठीक है 4 एक ही लाइन में है, और क्या है मिलाकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा प्रोसीजर क्या था, देखे थे कि 20 बिंदु है, तो 20 में क्या चुनना है आपको, देखो रेखाखंड मतलब रेखा के लिए क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, ठीक है रेखा खींचने के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए, ठीक है 2 बिंदु का रिक्वायरमेंट है, और आपके पास टोटल कितना है, आपके पास 20 बिंदु है, ठीक है। तो 20 में क्या करोगे, सी लगा दोगे, सी 20 में क्या करोगे, 2 को चुन लोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 20 में 2 को चुन लेंगे, ठीक 20 में 2 को चुन लिए, ठीक है। अब देखते हैं 20 में 2 को चुन के कितना आंसर आ रहा, पहले इसको, तो देखो 20 में 2 को चुनना मतलब 20 का 2 बार विस्तार, तो 20 का 2 बार विस्तार 20, उसके बाद क्या है 19 आएगा, ठीक है 19, और नीचे क्या आएगा 2 का खुद का विस्तार, ठीक है। तो 2 का खुद का विस्तार मतलब 2 गुणा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 दाम 20, तो ये कितना आ गया आपका 190, ठीक है। तो क्या 190 टाइप का ही मतलब रेखा बन पाएगा, ठीक है। अगर ये मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता 20 बिंदुओं का मतलब जिनमें मतलब ये अगर लाइन नहीं आती, ठीक है जिनमें ये 4 समरेखी है, ठीक है, अगर ये लाइन नहीं देता तो ये आंसर बिल्कुल 190 होता, ठीक है। लेकिन हमको दे दिया कि 4 समरेखी है, ठीक है समरेखी मतलब एक रेखा में है, ठीक है समरेखी मतलब एक रेखा में, देखो एक रेखा में खींच दी चारों को। अब देखो अब इसमें अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो अब क्या है कि 190 हमारा मतलब ज्यादा आ गया है, क्यों ज्यादा आ गया है, क्योंकि वो जो वो तो एक ही रेखा में रहेगा, ठीक है वो इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उससे जो रेखा मतलब जो बनेगी, ठीक है वो नहीं बनेगी, कहने का मतलब आप जैसे कि एक एग्जांपल लो कि आप रात को आप ठीक है मतलब आपको रात को घोड़े को गिनने के कहा गया, ठीक है घोड़े घोड़े थे बहुत सारे, रात को आपको गिनने के कहा गया, तो आप उनमें से क्या है 100 घोड़े गिने, ठीक है आपने कितना घोड़ा गिना, 100 घोड़ा, 100 घोड़ा गिना, ठीक है ये रात के अंधेरे की बात है। सुबह आके देखते हो आप तो घोड़ा क्या है, देखो उसमें क्या है कि 20 गधे निकल जाता है, ठीक है आप गलती से 20 गधों को घोड़ा मान लिए, ठीक है। तो आपको क्या है 80 मतलब क्या है टोटल आपको मिल रहा है 20, ये सॉरी 80 80 घोड़ा, ठीक है मतलब ये रात का है, ठीक है रात का घटना है आपका, रात को गिने थे तो ऐसे आया है, और ये दिन को गिने थे तो घोड़ा,
80 आया, ठीक है। तो मतलब गलती क्या किया आपने कि 20 गधों को भी घोड़ा मान लिया, ठीक है, 20 गधों को भी घोड़ा मान लिया, तो गलती क्या किया, तो उसको गलती घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या है, 20 घटाना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे गधा घटाना पड़ेगा, ठीक है, गधा को घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप जो गलत कर रहे हो उसको तो घटाना पड़ेगा ना, वैसे ही हम जो गलत कर रहे हैं, ठीक है, गलत क्या कर रहे हैं, जो चार बिंदु वाले को गलत कर रहे हैं, मतलब चार बिंदु में से जो दो बिंदु को चुन के जितना रेखाखंड बनेगा उसको हम गलती से गिन लिए हैं, ठीक है। तो उसको क्या है, घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाएंगे, देखो 190 में क्या घटाएंगे, 4c2, ओके, 4c2 घटा दिए, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 4c2, तो 4c2 का मतलब कितना होगा, देखो 4c2 का वैल्यू कितना होगा, 4c2 मतलब 4, 4 का 2, 2 बार विस्तार, तो 4 गुणा 3, उसके बाद 2 का खुद का विस्तार, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 से कटा लो, 2 दूनी 4, तो 6 आ गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 190 में पहले 6 घटाएंगे, तो 190 में आप 6 घटा लो तो क्या आ जाएगा, 184, ठीक है। तो आप इस आंसर से सेटिस्फाई हो क्या, आप देखो आप इस आंसर से सेटिस्फाई हो, 184 ही रेखाखंड होंगे क्या, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 184 है क्या, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, 184 भी आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, एक स्टेप और करना है आपको काम, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या काम करना है, देखो आप तो जितना भी आपको काम कर रहे थे, प्रोसीजर संचय चुनना है, चुन के बना लिए, ठीक है, लेकिन आप देखो खुद पहले से एक रेखा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली जो रेखा है ये पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है, ये जो रेखा है ये पड़ी हुई है, ये जो एक रेखा वो तो पहले से बनी बुनाई है, ठीक है, जो पहले से बनी बुनाई है उसको हम थोड़ी काउंट कर रहे हैं, हम तो बिंदुओं के हिसाब से काउंट कर रहे हैं कि कितना रेखा बनेगा, ठीक है, लेकिन वो रेखा जो पहले से क्या है, बनी बुनाई है, तो बनी बुनाई रेखा है उसको तो हम काउंट नहीं किए, काउंट नहीं किए, तो हम क्या है उसको काउंट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक रेखा है, अगर दो रेखा रहता है दो को जोड़ते, तो एक रेखा है एक को जोड़ देंगे, 184 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 185, ठीक है, तो 185 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आप देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 बिंदुओं के समुच्चय में से कितनी त्रिभुज खींची जा सकती है, ठीक है, तो यदि इनमें 7 बिंदु समरेखीय हो, तो यहाँ पे देखो समुच्चय का वर्ड करना, समुच्चय का मतलब होता है समूह, ठीक है, तो कोई बड़ा वर्ड नहीं है, इसको कुछ इग्नोर करना है, ठीक है, सिर्फ समुच्चय से डरना नहीं है, समुच्चय मतलब समूह होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, 12 बिंदु है, ठीक है, आपके पास क्या है 12 बिंदु, तो उसमें से कितना बिंदु चुनेंगे, क्योंकि आपको क्या बनाना है, आपको त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बनाना है, मतलब कितना बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए, मतलब 12 में से क्या करेंगे, 3 को चुनेंगे, ठीक है, तो 12 में से 3 को चुन लिए, अब क्या करना है, घटाना है, क्योंकि 7 क्या है इसमें समरेखीय, ठीक है, 12 बिंदु आपके पास, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 3 3 6 7, ठीक है, देखो 12 बिंदु है उसमें 7 क्या है समरेखीय है, तो उसको मतलब 7 एक ही रेखा में है, ठीक है, तो उससे तो आप त्रिभुज खींच सकते हो, क्या बताओ कहे त्रिभुज खींचोगे, ये देखो एक बिंदु दो बिंदु, ठीक है, मतलब ये सब सभी समान रेखा है, ठीक है, मान के चलो इससे एक एक त्रिभुज खींचना चाहो तो खींच सकते हो, नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते ना, कैसे खींचोगे उसमें से, ठीक है, त्रिभुज के लिए ऐसा चाहिए ना आपको, ऐसा चाहिए, अलग अलग जगह चाहिए, एक ही लाइन में आए कहाँ त्रिभुज खींच पाओगे, ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसमें नहीं खींच पाओगे, कहने का मतलब आपको अब घटाना पड़ेगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन बताया था वही टाइप का, आपको घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 7 समय रेखीय, मतलब 7c3, ठीक है, 7c3 उसको घटाना पड़ेगा। अब देखो इसमें जोड़ क्यों नहीं रहे, पिछले क्वेश्चन में जोड़े थे, एक जोड़े थे एक रेखा, तो देखो इसमें रेखा काउंट नहीं करनी, यहाँ पे त्रिभुज काउंट करना है, ठीक है, त्रिभुज काउंट करना है, तो रेखा काउंट करनी थी, तो इसलिए वो रेखा पहले था करके एक जोड़ दिए थे, अब इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि त्रिभुज है, ठीक है, तो ये आपका इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 12c3 मतलब क्या हो जाएगा, 12 का 3 बार विस्तार कर लो भाई, 12 11 और 10, ठीक है, विस्तार मतलब एक एक कम करते जाना है आपको, जितने बार बोलेगा 3 बार तो 3 बार, 4 बार तो 4 बार, ठीक है, 3 का, अब 3 का खुद का विस्तार मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, 3 का पूरा विस्तार मतलब 1 तक का विस्तार, ठीक है, अब वैसे 7 का 3 बार विस्तार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का 3 बार विस्तार, 7 गुणा 6 गुणा 5, अब C3 मतलब नीचे वाले का पूरा विस्तार, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक, अब देखो भाग दे लो, फटेगा तो कटा लो, 2 से कटेगा क्या, 2 पंचे 10, ठीक है, और ये 3 चौक 12, ये हो जाएगा आपका 11 11, देखो 5 चौक 20, 20 और 11 में क्या हो जाएगा, 220, 220, और यहाँ पे माइनस करके कितना कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है क्या, हाँ 2 और 3 करके 2 3 6, 2 3 6 कट गया,
अब देखो 7 5 35, 35 ठीक है। आप 220 से 35 घटाओ कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 185, ये हो जाएगा 185। तो 185 प्रकार से हम 185 प्रकार से हम त्रिभुज खींच सकते हैं, ठीक है, इतना बिंदु लेके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होती है, ठीक है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला, ठीक है, जैसे कि अष्टभुज है ये, ठीक है। देखो 8 भुजा गिना रहा है, ठीक है, नहीं 8 भुजा मतलब 8 बिंदु से बना है, ठीक है, 8 बिंदु से बना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बिंदु से बना है, 8 भुजा है, ठीक है, इसको बोलेंगे अष्टभुज, ठीक है। अब अष्टभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्ण क्या होता है, देखो दो बिंदु को खींच के अगर जो भी रेखा बनता है, मतलब कोई भी मतलब बहुभुज के अंदर, जैसे त्रिभुज है, देखो त्रिभुज में, या जैसे चतुर्भुज है, ठीक है, त्रिभुज में इतनी बन पाएगा शायद, है ना, चतुर्भुज है, देखो जैसे दो बिंदु है, तो दोनों बिंदु खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं आपका, विकर्ण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। ये क्या होती है, भुजा होती है, ठीक है, ये होती है आपका भुजा, ठीक। तो मतलब अंदर में जितना भी खिंचाएगा, जैसे कि ये वाला खिंचा गया, तो देखो 4 बिंदु से बन गए, जैसे चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण, वैसे ही अष्टभुज में बहुत सारे विकर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला खींच लो 2 बिंदु से, ये खींच लो, एक एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण देखो इसको इसको मिला लो, दूसरा विकर्ण हो गया, तीसरा विकर्ण क्या हो गया, इसको इसको मिला लो, तीसरा विकर्ण हो गया, चौथा विकर्ण देखो इसको इसको मिला लो, ठीक है, पांचवा विकर्ण देखो इसको इसको मिला लो, छठा विकर्ण देखो इसको इसको मिला लो, मतलब बहुत सारे ऐसे मिला के कई विकर्ण बन सकते हैं, ठीक है, कई कई सारे मिला सकते हैं ऐसे, बहुत सारे विकर्ण अंदर में बन सकते हैं। तो विकर्ण कितने बनेंगे इसको देखना, ठीक है। तो देखना मतलब अपने संचय के हिसाब से करेंगे हम, ठीक है, वो वैसे थोड़ी खींचते रहेंगे अपन एग्जाम में। तो देखो अपने पास क्या है, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण के लिए क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट, ठीक है, विकर्ण के लिए क्या चाहिए, विकर्ण मतलब क्या है, एक रेखाखंड ही तो है, ठीक है, विकर्ण मतलब रेखाखंड ही है, मतलब 2 बिंदु वाला है, ठीक है, ये क्या है, 2 बिंदु वाला, ठीक है। तो लेकिन अपने पास अवेलेबल कितने पॉइंट है, ठीक है, मतलब दिया कितना पॉइंट है, अष्टभुज दिया है, अष्टभुज मतलब 8 पॉइंट दिए थे आपको, आपको कितना पॉइंट दिया है, ये 8 पॉइंट, 8 बिंदु आपको दिया गया है, ठीक है, 8 बिंदु में से क्या करना है आपको, 2 को चुनना है विकर्ण के लिए, तो 8 में से 8 सी 2, ठीक है, 8 सी 2 करेंगे, पहले करके देखते हैं, करके देखते हैं, मतलब देखो 8 गुणा 7 हो जाएगा, 2 बार विस्तार, 8 का नीचे वाले का पूरा विस्तार, मतलब 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, ठीक है। कई तो लोग सीधा आंसर इसी को मारते हैं, लेकिन 28 आंसर गलत है, ठीक है, 28 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 28 आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो फिर गलती वही की, गधा घोड़ा वाला बताया था ना आपको, गधा बहुत सारा, गधा अगर घोड़ा है तो उसमें गधे को भी हम लोग गिन लिए, ठीक है, तो हम गधा क्या घर घटाना पड़ेगा, तो गधा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गधा है, ठीक है, आपको दिया नहीं है ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन गधा है, कहाँ गधा, देखो यहाँ पे पहले से देखो अष्टभुज है, अष्टभुज है, ठीक है, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज खुद है, मतलब 8 भुजा पहले से इसके पास अवेलेबल है, देखो ये वाला भुजा, ये 1 भुजा हो गया, 2 भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया, 4 भुजा हो गया, 5 भुजा हो गया, 6 भुजा हो गया, 7 भुजा हो गया, 8 भुजा, ठीक है, 8 भुजा आपके पास पहले से ही, मतलब बना बुनाया है, ठीक है, ऑटोमेटिक पहले से ही बना बुनाया 8 भुजा है। अब वो 8 भुजा को भी आप काउंट कर रहे हो, मतलब आप तो क्या है, आपके पास कितना बिंदु था, 8 बिंदु, 8 बिंदु में क्या चुने, 8 सी 2 बिंदु, ठीक है, 8 में से 2 बिंदु चुन रहे हो, ठीक है, आप भुजा भुजा थोड़ी देख रहे हो, आपके पास क्या है, भुजा पहले से, 8 भुजा पहले से मौजूद है, तो उसको क्या है, घटाना पड़ेगा, पहले से बना था वो तो, ठीक है, उसको हमको काउंट नहीं कर रहे, विकर्ण में काउंट होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, 28 में हम 8 भुजा को घटा देंगे, ठीक है, मतलब वो गधा को घटा देंगे, ठीक है, 28 में 8 घटा दिए तो कितना आ जाएगा आपका, 20, ये 20 आपका आंसर है, ठीक है, 20 आपका आंसर है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुभुज के विकर्णों की संख्या 44 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपको, पहले से ही क्या दिया है, विकर्ण दिया, ठीक है, विकर्ण दिया है, तो आपको क्या है, मतलब आंसर दिया गया, ठीक है, तो 44 आपका आंसर पहले का दिया गया है, ठीक है, मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या आंसर क्या था हमारा, विकर्ण था, तो आंसर यहाँ पे पहले के दिया है, विकर्ण। अब क्या है आपको, बहुभुजों की संख्या, तो बहुभुजों की संख्या नहीं मालूम है, तो मान लो एन है, ठीक है,
बबूज कोई भी सा है, बबूज ठीक है। ये क्या है आपका, एन है, कितना भी हो गए मतलब टोटल एन बहुबुज है, ठीक है एन बहुबुज है, ठीक है मतलब छह नहीं है वो, बहुत सारा हो सकता है कैसे करके, फिगर कुछ भी हो सकता है, ठीक है एन बहुबुज है मतलब एन भुजाएं हैं उसकी, ठीक है एन भुजा है, एन भुजाओं वाला है। तो देखो एन भुजाओं वाला है, तो अब एन भुजाओं वाले से विकर्ण बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, एन भुजाओं में से क्या करेंगे, चुनेंगे किसको, दो को, विकर्ण के लिए क्या चाहिए आपको, दो चाहिए, ठीक है विकर्ण के लिए दो बिंदु चाहिए, विकर्ण के लिए दो बिंदु चाहिए, तो एन में से क्या करेंगे अपन, संचय करेंगे, ठीक है संचय लगाएंगे, चुनना है आपको एन बिंदु में से कितना बिंदु दो चुनना है, दो बिंदु, ठीक है तो एन में से दो चुन, मतलब एन सी टू, ठीक है एन सी टू। उसके बाद क्या है, एन को घटाना पड़ेगा, ठीक है जैसे कि एन वाला, जैसे कि फिगर था पिछले क्वेश्चन में, आठ को, आठ जो भुजा थी आपका, आठ भुजा वो क्या था आपका, मतलब पहले से बना बुनाया था, तो यहाँ भी देखो एन भुजा वाला पहले से बना बुनाया, ठीक है उसको काउंट नहीं करना है आपको, घटा देना उसको, तो क्या करेंगे एन यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है मतलब पिछला क्वेश्चन टाइप का ही, अच्छा पिछला क्वेश्चन समझोगे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है तो देखो यहाँ पे एन घटा दिया तो क्या आ गया आपका 44। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है तो एन देखो एन सी टू मतलब देखो एन का दो बार विस्तार, तो एन उसके बाद एन माइनस वन, ठीक है एन माइनस वन क्यों किए, क्योंकि एक घटाते हैं, जैसे कि आपका आठ था, आठ सी दो मतलब देखो आठ गुणा सात था, ठीक है एक कम करते जाते हैं ना, जितने बार विस्तार एक कम करते जाते हैं, एक कम करते जाते हैं हर स्टेप में, तो ये हो जाएगा एक कम, एन फिर एन माइनस वन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब नीचे वाले का पूरा विस्तार मतलब दो का विस्तार, ठीक है दो का पूरा विस्तार, दो गुणा एक, उसके बाद देखो एन को घटाना है, उसके बाद 44, ठीक है एन को घटाएंगे उसके बाद 44, ठीक। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करते हैं, देखो इसको हो जाएगा एन स्क्वायर, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, हो जाएगा देखो एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, ठीक बाई टू माइनस एन 44। उसके बाद देखो दो का गुणा इधर होगा और दो उधर चला जाएगा, ठीक है 44 दुनिया 88 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन, ये हो जाएगा उधर जाके 88, ठीक है डायरेक्ट कर दी उधर 88 हो जाएगा। उसके बाद देखो एन और टू एन कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा माइनस 3n, तो एन स्क्वायर माइनस 3n, और देखो 88 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 88 बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक वर्ग समीकरण बन गया, ठीक है वर्ग समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण सॉल्व करना तो आता होगा, ठीक है एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88, ठीक है तो इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले का गुणांक रहता है उसको गुणा करके तोड़ते हैं, ठीक है तो यहाँ पे गुणांक एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 88 को ही तोड़ना है आपको, ऐसे तोड़ना है कि बीच वाला आपको बन जाए, ठीक है जैसे कि 88 जो है आपका ऐसे तोड़ना है, 88 को कैसे तोड़ोगे जिससे कि आपका बीच वाला बन जाए, ठीक है बीच वाला बन जाए, कहा मतलब कहने का मतलब तीन बनना चाहिए, मतलब अंतर तीन आना चाहिए, जैसे कि इसको 11 88 88 तोड़ोगे तो इसमें क्या करेंगे अब मतलब वैसे ही करेंगे, ठीक है तीन को मतलब तीन के अंतर में इसको तोड़ देंगे, मतलब 11 और 8 में तोड़ देंगे, ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका, देखो एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n। अब देखो ये देखो 11 3n में क्या हो जाएगा, देखो 3n को कैसे बनाना है, मतलब 3n आना चाहिए, 11 और 8 में तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं अपन, 11n + 8n ऐसे तोड़ लिए, ठीक है 11n + 8n, ठीक है तो देखो 11n में 8n मतलब माइनस मतलब जो भी होगा इसका सॉल्यूशन तो मतलब -3 ही आएगा, ठीक है तो ये इसमें टूट गया, ठीक है तो अब क्या है कॉमन ले लेंगे, ठीक है ऊपर कर दे रहा हूँ मैं काम को, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन ले लेंगे, तो एन स्क्वायर देखो देखो इन इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, एन एन कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, एन हो जाएगा एन -11, ठीक है और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 8 कॉमन दिख रहा है तो एन -11 यहाँ पे हो जाएगा, 8 निकल जाएगा एन -11, ठीक है तो इन दोनों पार्ट में देखो इन दोनों पार्ट में क्या दिख रहा है, एन -11 कॉमन, एन -11 कॉमन है और इसमें क्या बच जाएगा, इधर एन बच जाएगा उधर 8 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा n+8, ठीक। अब देखो दो टर्म जीरो है, n-1 और n+8 दोनों का गुणा क्या है, जीरो है, गुणा जीरो में है मतलब कोई भी संख्या गुणा में तब जीरो हो सकती है, या तो पहला वाला जीरो हो या तो दूसरा वाला जीरो, देखो गुणा देखो कोई भी चीज का जीरो का गुणा कैसे आता है, ठीक है जैसे कि आपका देखो जैसे 0 × 5 है तो भी जीरो आएगा, 5 × 0 है तो भी जीरो आएगा, ठीक है मतलब दोनों में से अगर कोई एक जीरो है, ठीक है तो जीरो आएगा, ठीक है तो हमको पता नहीं दोनों में से कौन सा जीरो है, ठीक है तो एक एक करके लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो n-11 = 0, ठीक है तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ n का वैल्यू आ गया 11। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला n+8 = 0 लेंगे, अगर n+8 = 0 लेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा -8, ठीक है
तो देखो एक वैल्यू आया आपका 11, एक वैल्यू आया आपका माइनस 8, तो एक को इग्नोर करेंगे क्योंकि माइनस 8। देखो माइनस 8 आपका हो सकता है क्या? देखो एन भुजा है, कोई ना कोई संख्या है भुजा है, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी रहेगा, तो एन क्या है माइनस में नहीं हो सकता ना, कोई भी भुजा का मान तो प्लस ही में रहेगा, माइनस में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 11। तो क्या है यदि मतलब 11 भुजाओं वाले मतलब उसका विकर्ण निकालोगे आप, ठीक है, विकर्ण निकाल के देख लेना, 11C2 करके निकाल के भी देख लो आप, 11C2 करके और माइनस करके आपका 11, इसका वैल्यू आपका यही आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 44 आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी ये। तो देखो एक वृत्त के चार बिंदुओं को मिलाने से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वृत्त के चार बिंदु मतलब वृत्त खींच लो आप, ठीक है, वृत्त उसका चार बिंदु कोई भी से चार बिंदु हो सकता है, देखो चार बिंदु, 1 2 3 4, ठीक है, चार बिंदु ले लिए, तो चार बिंदुओं से त्रिभुज कितने खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई चार बिंदु में थे, तो देखो 4C क्या हो जाएगा आपका, 3, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के लिए क्या चाहिए आपको, 3 बिंदु चाहिए, ठीक है, त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। ऐसे त्रिभुज बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, कई प्रकार से बन सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कितने प्रकार से बनेगा आपका, देखो चार में से तीन चुनना है, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, 4 गुणा, देखो 4 का 3 बार विस्तार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, और नीचे पूरा विस्तार, 3 का पूरा विस्तार, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो आ गया आपका आंसर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, वृत्त का नाम ले लिया, एक वृत्त के चार बिंदु बोल दिया, ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराया, क्योंकि आप ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है, ठीक है, आपका क्वेश्चन तो वैसे ही बनना है, ठीक है, कुछ नया चीज थोड़ी है, ठीक है। तो चार तो आंसर ऐसे भी आ रहा था, पहले भी देखे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है, थैंक यू।